है लिक्विड नाइट्रोजन, अभी ये बॉयल हो रहा है ना, अभी यहाँ हमने कुछ भी हीट नहीं दिया, फायर नहीं किया, फिर भी ये बॉयल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी रूम टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, 30, 32, 35, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका माइनस में है और माइनस में भी कितना है, -196। तो इसके लिए सो दिस इज बेसिकली एक्शन मैन्योर, द मैन्योर राइट? यस। My friend. Hey bro, where are you from? I'm from Hamran. Hamran, nice to meet you bro. Dipensing te. Tom no na bang hari ni li da da. Ke bang ba sai som ban hari ko pepe ma do ani li pak lang la pon la ben so ver an explore da me de li. Amun ali ga da da bang hari. Mobile ban automatic ga da na to mene alam ma ni li hari la bang so video apna ge di ni li. Gai min thar real ti thai ona sam me tin ni bang hari ti thai lang la. La si nang lang ba mon da ban li. Ana pak lang I ban se bori po. So this is basically action manure, the manure, right? Yes. Made from action, charcoal and garlic soil. Since action is made up of calcium carbonate, it is a base and it can neutralize the acidic soil. So first off, we are going to grind each of these three ingredients into powder form and mix them in the ratio 3:2:1. Which means you will add 3 cups of the garlic soil, 2 cups of the action and 1 cup of the charcoal. Mix them all together and you'll have the soil mineral mixture. This can be used for any plants, vegetables, fruits, flowers, in the pots or in the garden. It is very efficient. It is for the healthier growth of the plants. You don't have to spend any money on this. All are kitchen waste. So instead of throwing away your action, you can easily make this. Thank you. Thank you. लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में कुछ डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा, ठीक है? तो तुम लोगों ने नाइट्रोजन गैस के बारे में सुना है, नाइट्रोजन है ना, हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है और वो भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, अप्रोक्सीमेटली 78%। तो अगर हमें नाइट्रोजन दिखता है तो हमें उसको या फिर लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में उसको बदलना होगा। तो अभी हम लोगों ने जो लिक्विड नाइट्रोजन, तो पहले मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक सबसे ठंडी चीज क्या देखी है, मोस्ट कोल्डेस्ट थिंग? आइस। आइस। आइस का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर? 0 डिग्री, सिर्फ 0, 0 से नीचे नहीं आएगा, आएगा 0 to -5°C, तो नॉर्मल आइस का टेम्परेचर। और एक चीज़ है आप लोगों ने देखा है, मछली के बाजार में एक आइस यूज करते हैं वाइट वाला, देखा है ना, उसको क्या बोलते हैं पता है? उसका टेम्परेचर बहुत कम है, उसका टेम्परेचर है -78°C, ठीक है, बहुत ठंडा है, इसलिए हम उसको मछली या फिर कुछ और चीज़ प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसका टेम्परेचर इससे भी बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली -196°C। तो ये मतलब दुनिया की सबसे ठंडी चीज़ों में से एक है, इससे भी ठंडा है वो है लिक्विड हीलियम, ठीक है। तो अभी हम लिक्विड नाइट्रोजन को देखते हैं, दिखने में कैसा है वो देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है लिक्विड नाइट्रोजन, अभी ये बॉयल हो रहा है ना, अभी यहाँ हमने कुछ भी हीट नहीं दिया, फायर नहीं किया, फिर भी ये बॉयल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी रूम टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, 30, 32, 35, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका माइनस में है और माइनस में भी कितना है, -196। तो इसके लिए ये रूम टेम्परेचर ही काफ़ी है बॉयल होने के लिए। और ये जो गैस आप लोग देख पा रहे हैं ये है नाइट्रोजन गैस, तो ये लिक्विड से इवेपोरेट होकर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम इसको पोर करेंगे या तो थोड़ा सा कीजिए, ये देखिए गायब हो गया है ना, इवेपोरेट हो गया। तो अभी हम लिक्विड नाइट्रोजन का जो डेंजरस इफेक्ट है उसको देखते हैं, क्योंकि इसको बहुत हम सॉफ्टली हैंडल करते हैं, इसलिए हम कुछ ग्लोव्स या फिर कुछ ऐसा स्पेक्स हम यूज़ करते हैं। तो अभी लिक्विड नाइट्रोजन में हम कुछ चीज़ डीप करेंगे, जैसे ये वाला हो गया, ये हमने गार्डन से फ्लावर लाया था, तो आप लोग चुप कर देख सकते हैं ये ओरिजिनल है, ओके। तो ये ओरिजिनल था है, अभी हम इसको इधर डीप करेंगे, वाह रे देखा,
फिर से करूँ तो आप लोगों में से कोई अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। चार्ज नहीं हो रहा है कि ये रोटेट भी नहीं है, ये फोन देख सकते हैं आप, ये फोन रोटेट भी नहीं है और चार्ज भी नहीं हो रहा है, चार्जिंग भी शो कर रहा है। जैसे अगर इसको हम इस टाइप से असेंबल कर लें, असेंबल करने के बाद जैसे हम अपने बॉडी को मूव करेंगे तो हमें फोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं ये चार्ज नहीं हो रहा है, जैसे इसको मूव करेंगे हम फोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका फोन चार्ज होना शुरू हो चुका है। आप जितना चलेंगे उतना जल्दी आपका फोन चार्ज होगा। ये यूज़ हो सकता है मिलिट्री के लिए, क्योंकि मिलिट्री के लोग घर के वेट नहीं कर सकते अपने कोई भी गैस को चार्ज करने के लिए, वो कहीं कहीं जाते रहते हैं मिशन के लिए, इनके पास कोई पावर सप्लाई नहीं होता है जिससे वो अपने गैस चार्ज कर सके, तो वो इस डिवाइस की वजह से वो अपने सारे गैस चार्ज कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इस बार जो बाढ़ हुआ था, फ्लड हुआ था ना, वेस्ट बंगाल में भी हुआ था, आप लोग में भी तो ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ था, पूरा रोड कनेक्टिविटी मतलब काटअप हो गया था। तब ये लोन के जरिए ही हम लोग ऊपर से पूरा सर्वे किए थे, कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये लोन सिर्फ सर्वे के लिए। ये कैमरा होता है, इधर कैमरा लगाते हैं उसको, हाँ कैमरा है, कैमरा लगा के ये कंट्रोल कंट्रोलर है, नहीं ये तो दिखा नहीं सकते और बाकी वो बाकी कुछ मतलब यही भी जस्ता मतलब जो ड्रोन के सर्वे के लिए सर 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 हाँ ये आई वांट टू एक्सेस द मिशन सर। और ये कितना ऊंचा ऊपर जा सकते हैं? नॉर्मल जैसे जितना ड्रोन जा सकता जाता है उतना ही जाता है, लेकिन 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही रहता है ये। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ना 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 ये होगा आपका, हम लोग आसाम पुलिस, आसाम पुलिस में जो आपने नेटवर्क होता है तो वहाँ पे क्या क्या डिवाइस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो हम लोग उन्होंने किया है। हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर 3 तरह का डिवाइस यूज़ करते हैं, एक हो गया आपका एचएफ डिवाइस हाई फ्रिक्वेंसी, देन ज़्यादा एनालॉग एचएफ डिवाइस वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, और यह हो गया आपका यूएचएफ डिवाइस अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। इसका रेंज तकरीबन 3000 से 3500 किलोमीटर, आप 3000 किलोमीटर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं विदाउट कोई नेटवर्क कोई सेटेलाइट के बगैर, कोई सर्वर का जरूरत नहीं आपका, कोई अच्छा सेटेलाइट का कोई जरूरत नहीं, तो इसमें आप 3000 से 3500 किलोमीटर तक आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका वीएचएफ डिवाइस, इसमें आप लोग 30 से 50 किलोमीटर तक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें इसका सिग्नल क्वालिटी इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, इसमें थोड़ा नॉइस आता है, इसमें थोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट आ गया आपका ए अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का डिवाइस, इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, इसका भी सेम आउटपुट 25 वाट है और इसका डिस्टेंस तकरीबन 5 किलोमीटर विदाउट टावर विदाउट एनी रिपीटर। अगर इसमें रिपीटर इस्तेमाल करेंगे तो आप और आसान बात करें, और ये बनाया गया हुआ है गेटवे, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। अगर कोई ऑपरेशन या फिर कोई ऐसा एरिया हो गया जहाँ पे आप बड़ा सेट कोई ऐसा नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसके साथ में तकरीबन आपका 35 to 40 kg आपका वेट होता है बैटरी सेट और आपका एंटेना, क्योंकि इसमें बड़ा एंटेना चाहिए, इसका वेट होता है आपका 72 kg, ये आप 1 kg जैसे आप इसका उठा सकते हैं।
कोई जंगल या कहीं भी जहाँ पे आप ऑटो नहीं जा सकते, तो व्हीकल नहीं जाता है आपको। ओके बाग हेलो गाइस नॉन बाग नहीं बना चाहता भिन में नहीं जुरीकेंदेक मत हाँ तुम नाम मैंने नहीं सकती नाइस टू मीट यू कनाथ स्कूल का नहीं के जी बी बी ओके 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 दोनों तुम मंगला अनुभव मंदे लगभग सौ ब्लॉक सिस्टम है नहीं तुम दोनों आपके बाग बाग दिन तुम वैस कर बैंग लॉन्ग पंदर लग सब समय से तो लाभ लिया नॉन बाग दोनों तुम तुम अंजम बो बोलो नांग लाग नॉन लाग अन बाग या स्टाइल पिक सेल्फ सर्विस ये असमीज ट्रेडिशनल फूड और ये है मेरा भाई सी दिस हाउ टू से दिस वन व्हाट इज दिस घी घेर घेर ना तो हम नॉन बांगे तो मेरी मम्मो चलाऊं फूड अभी हम खा का हम लोग अभी चिकन रोल और मोमो खाना है चिकन अब तो एग रोल अब तो सेम है वेरी एक्साइटेड क्या बोलो क्या क्या खाना है एग रोल या चिकन रोल एग रोल एग रोल दोनों तुम नलान मोमो दे नॉन बांगे जीएसवाई से दो जय मेरा दोस्त है मैं एग रोल नहीं खाता